शुरू होते ही बल्तिस्तान के तूलो अर्ज में नजरें दौड़ाएं तो आपको धुआं ही धुआं नजर आएगा। घरों की छतों पर चिमनियों से निकलता धुआं देखकर ऐसा लगता है जैसे हर जगह फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां लग गई हों। हालांकि ये धुआं फैक्ट्रियों का नहीं बल्कि सर्दियों से बचने के लिए घरों में इस्तेमाल होने वाली अंगीठियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं है। बल्तिस्तान में अक्टूबर से ही सर्दी शुरू हो जाती है। नवंबर के वस्त से दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमात से गिर जाता है। लोग सर्दी से मुकाबला करने और खून जमा देने वाली सर्दी से बचने के लिए बल्तिस्तान की सकाफत को अपनाते हुए घरों में अंगीठियों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। लोहे की शीट से बनी ये खूबसूरत अंगीठियां मकामी जबान में बुखारी कहलाती हैं और धुआं निकालने वाली चिमनी को नलका कहा जाता है। मकामी जबान में बुखारी बनाने वाले को गरबा कहते हैं और बुखारी के हवाले से गरबा यानी लोहार का कहना है। ये आजकल जो सर्दियों का शिद्दत जो बढ़ा है जिसकी वजह से हमारे लिए सर्दियों में बुखारियों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सालाना हम जो बुखारी अंगीठी बनाते थे जो तकरीबन 18-20 हज़ार अंगीठी बनाते थे। मेरा नाम हसनैन है, मैं बुखारी बनाता हूँ और मैं बुखारी बना के लोगों को बेचता हूँ। और सर्दियों का मौसम है, साल में कम से कम 300 से 400 बुखारी होते हैं। अंगीठी न सिर्फ बल्तिस्तान के हर घर में इस्तेमाल होती है बल्कि इसे तमाम तर सरकारी दफातर, होटल्स और दीगर जगहों पर सर्दियों की शिद्दत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इधर बुखारी खरीदने के लिए आया था तो पसंदीदा बुखारी मिल नहीं रहा है, इधर डिमांड बहुत ज्यादा है तो इसलिए घूम फिर रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। लोगों का कहना है कि महंगाई ने जहाँ दूसरी अशिया की कीमतों में इजाफा किया है वहाँ गुज़िश्ता सालों की निस्बत बुखारी की कीमतों में भी खातिर ख्वाह इजाफा देखने को मिल रहा है। मगर सर्दी से ठिठरते अफराद इसे महंगे दामों खरीदने पर भी मजबूर हैं।